भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी फसलों के ऊपर। जिस समय पर हमारी जो फसलें होती हैं फूल आने की अवस्था में होती हैं, फल आने की अवस्था में होती हैं, उस समय पर हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि जो हमारे फल हैं वो झड़ने शुरू होते हैं तो झड़े ना। दूसरा, किसान भाइयों, फलों की संख्या बढ़ सके, फूलों की संख्या बढ़ सके, और इसके साथ साथ हमारे जो फल हैं उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी ये दोनों ही ज़्यादा अच्छी पन करके आए। क्योंकि किसान भाइयों, जितनी ज्यादा क्वालिटी हमारी फल की आएगी, हमारी प्रोडक्ट की आएगी, उतनी ज्यादा डिमांड मार्केट में हमारी वस्तु की रहती है, हमारी फलों की रहती है। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ऐसा कौन सा स्प्रे या कौन से स्प्रे की हमें जरूरत पड़ती है फल की अवस्था में, फूल बनने की अवस्था में, जिसकी यदि हम स्प्रे कर लेते हैं तो हमारी जो फसलों की क्वालिटी है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसकी चमक है, जो उसकी मोटाई है, जो उसके किसान भाइयों आकर्षण क्षमता है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लगातार बने रहें जिससे कि किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले सकें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपके मन में किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो जो हमारा फर्टिलाइजर से संबंधित हो, हमारी खेती से संबंधित हो, उसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं, उसका रिव्यू आप चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसकी वीडियो बहुत ही जल्द आपको बना करके दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि फूल आने की अवस्था पर। ये आपको ध्यान देना, जब भी हमारी फसल के ऊपर फूल बनने शुरू होते हैं तो फूल बनने की अवस्था पर हमें कोई ना कोई एक ऐसा स्प्रे अपनी फसल के ऊपर कर देना चाहिए जिससे कि किसान भाई जो हमारे फूलों की संख्या है वो कम ना हो, हमारे जो फूल हैं वो झड़ने शुरू ना हो। क्योंकि यदि हमारे फल, हमारे जो फूल हैं वो झड़ने किसान भाई शुरू हो जाएंगे तो हमारे जो फलों की संख्या होगी वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, हमारे फल फिर कम आएंगे। तो आपको यहाँ पर बड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। तो इस समय पर आपको क्या करना है किसान भाई, आपको अपनी फसल के ऊपर एनपीके का स्प्रे करना चाहिए। यदि आप एनपीके का स्प्रे इस समय पर अपनी फसलों के ऊपर कर लेते हैं तो किसान भाई आपके जो फूल होते हैं वो झड़ते नहीं हैं, उन वो ऊपर मतलब पौधे पर लगे रहते हैं, जिससे जितने ज्यादा फूल हमारे पौधे पर रहेंगे उतना ज्यादा फल जो है हमें प्राप्त होगा, और उसकी जो आकर्षण क्षमता होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी किसान भाई ज्यादा बढ़ करके निकलेगी। लेकिन यहाँ पर कौन से एनपीके का स्प्रे आपको फूल बनने की मतलब क्षमता पर करना है, फूल बनने की स्टेज में करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों ज्यादातर आपको एनपीके 19:19:19 मिल जाएगा, एनपीके 05:34 मिल जाएगा, और एनपीके 00:50 मिलता है। ज्यादातर मार्केट में आपको ये तीनों देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस समय पर हमारी फसल पर फल बनने शुरू होते हैं उस समय पर आपको एनपीके 19:19:19 का स्प्रे नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस समय पर आपकी फसल के ऊपर फूल बनने शुरू होते हैं तो फूल बनने से लगभग 10 से लेके 15 दिन पहले किसान भाइयों आप कोशिश करें कि एनपीके 05:34 का एक स्प्रे आप अपनी फसल पे कर दें। यदि आप इसका स्प्रे एक बार अपनी फसल पे करेंगे तो इसके अंदर आपको पोटास भी मिल जाएगी और फास्फोरस भी मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी फसल की जो जो आपकी फसल है उसके ऊपर जो फल आने वाले हैं उनकी जो क्षमता होगी, उनकी जो आकर्षण क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी किसान भाइयों, और उसकी क्वालिटी जो है क्वालिटी में भी काफी ज्यादा निकाल करके ये मिलेगा, और आपके जो फूल होंगे वो भी किसानों ये बहुत कम झड़ते हैं। दूसरा, किसान भाई यदि आप एनपीके 05:34 का स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो आपको एनपीके 00:50 का स्प्रे जिस समय पर आपकी फसल के ऊपर फूल बनने शुरू होते हैं उससे लगभग 4 से लेकर 5 दिन पहले आप एक स्प्रे कर सकते हैं। इसका यदि स्प्रे आप करेंगे तो एनपीके 00:50 के अंदर पोटास की मात्रा 50% दी हुई होती है, और पोटास का स्प्रे यदि हमारी फसल के ऊपर किसान भाई हो जाता है तो इससे हमारी जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता सुधर जाती है, उसकी क्वालिटी सुधरती है, और हमारे जो फल होते हैं फलों का साइज भी किसान भाई बढ़ करके निकलता है। मान लीजिए आपने एनपीके 00:50 का स्प्रे नहीं किया तो आपका जो फल है मान लीजिए वो 100 ग्राम का बन करके आता है, और यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो कम से कम इसके अंदर 10 से लेके 20 ग्राम या फिर 25 ग्राम का अंतर जो है निकाल करके पोटास दे देगी। तो आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। यदि बात की जाए इसकी डोज की तो किसान भाई 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, और इसका स्प्रे आप अपनी फसल पे कर सकते हैं। पानी की मात्रा की बात करूं तो 160 से लेकर 180 लीटर पानी की आवश्यकता किसान भाई आपको पड़ती है। इतना पानी आपको अवश्य लेना चाहिए, उसके अंदर एनपीके 00:50 आप डाल के फूल आने से लगभग 4 से लेकर 5 दिन पहले अपनी फसल पर यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो फूलों की जो संख्या होगी वो बहुत कम गिरेगी, और किसान भाई इसके द्वारा आपकी जो फल आएंगे फल अच्छी क्वालिटी के निकल करके आएंगे और ज्यादा उत्पादन आपको निकाल करके आपकी फसल देगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों यदि आप एनपीके 00:50 का स्प्रे करते हैं तो इसकी जगह आपकी फसल की यदि अनचाही बढ़वार हो रही होती है, मान लीजिए आपकी फसल की हाइट ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़ रही है और आप उस हाइट को रोकना चाहते हैं, तो आप अपनी फसल के ऊपर किसी भी एक
जो हमारे पीजीआर टोनिक होते हैं, किसी भी एक पीजीआर टोनिक का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि पीजीआर टोनिक का यदि किसान भाइयों आप उपयोग करेंगे तो इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी फसल की अनचाही ग्रोथ जो होती है उस ग्रोथ को पीजीआर टोनिक रोक देता है और आपकी फसल के जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उन्हें गिरने से रोकता है। और इससे भी आपका जो उत्पादन होता है आपकी फसल का, वो भी किसान भाइयों काफी ज्यादा निकल करके आता है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को जो है फल और फूल गिनने से रोक सकते हैं और अपने पैदावार को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाई हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।